हाँ ठीक है। हेलो, फोर्थ साइंटिफिक सेशन में मैं गेस्ट लेक्चर के लिए प्रोफेसर अनिल कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना गेस्ट लेक्चर प्रस्तुत करें। प्रोफेसर अनिल कुमार जी, दे तालियां बजानी। ऐसे नहीं बजाएंगे, मैं बजवाता हूँ ताली। मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए। कार्यक्रम के बीच में ना शोर होना चाहिए। रिसोर्स पर्सन तो ज्ञान की गंगा बहाएंगे मंच पर। आपकी तालियों में ठीक है। जोर होना चाहिए, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। थैंक यू दिनेश जी। तालियों से मुझे पता चल गया कि आप लोग सब जगे हुए हैं। बहुत ही छोटा सा टॉक है ये, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए केस स्टडी, और हमारी अपनी स्टडी है विच इज गोइंग ऑन, सो प्रैक्टिकल एकदम है। तो चार साहब ने मुझसे कहा था कि सर वो प्रेवलेंस स्टडी, सर्वे स्टडी कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा आइडिया, तो लास्ट डे में मैंने बनाया है क्विकली, हाउ टू कंडक्ट सर्वे और इंसिडेंस स्टडी। जब भी आप कोई सर्वे स्टडी करना चाहते हैं, देखिए सर्वे स्टडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती। ओके, ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू सर्वे एक्टिविटी। ओके, सो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन, किस बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो। ओके, जब मैं रिसर्च क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, द ऑब्जेक्टिव इज इनबिल्ट। ओके, सो दैट मीन्स यू शुड नो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरटेकिंग सच एन एक्टिविटी। ओके, सेकंड इज कहां करनी है, किस पॉपुलेशन में करनी है, कहां करनी है, विच विच एरिया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट शुड बी द स्टडी साइज। स्टडी साइज डायरेक्टली कोरिलेट विद योर ऑब्जेक्टिव। ओके, और जब हम स्टडी साइज और सैंपल साइज जो भी हम बात करते हैं, दैट कैलकुलेटेड साइज इज ए मिनिमम साइज। उसका 10% आप एक्स्ट्रा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कम करेंगे तो पावर ऑफ द स्टडी इज अफेक्टेड। ओके, हाउ मच टाइम इज अवेलेबल टू अंडरटेक द स्टडी। मैंने आपको WHO का सुबह एक एग्जाम्पल दिया था कि हमको 25 लाख रुपए दिया और 8 महीने में 8 लाख लोगों का सर्वे करके देना है, 8 लाख, 8 डिस्ट्रिक्ट में, 1-1 लाख पर डिस्ट्रिक्ट। ओके, टाइम बाउंड, पैसा फिक्स है, टाइम बाउंड है। ओके, सब कुछ फिक्स है, वो करके देना है आपको। सो डू वी हैव फ्रीडम ऑफ रिसोर्सेज और फिक्स बजट इज अवेलेबल। अभी जैसे NCISM एक स्टडी कर रहे हैं ऑन फीमेल ग्रेजुएट्स ऑफ आयुर्वेदा। अब उन्होंने हमसे ये कहा कि सर बजट की कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैनी ए टाइम्स वी हैव टू एडजस्ट द स्टडी साइज इन विद रेफरेंस टू द बजट अवेलेबिलिटी। उसके तरीके निकालने पड़ते हैं, ठीक है ना। मगर अगर बजट की कोई कांस्टेंट नहीं होती है तो देन यू कैन गो एज ए फ्री बर्ड, एंड पैसे को थोड़ा सा इस हेड में ना करके इस हेड में है, एमिंग टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ठीक है,
सो उसमें लिमिटेशंस ज्यादा नहीं होती, केवल इतना ही फर्क होता है. देन सिक्स्थ पॉइंट इज हु विल टेक द लीड. लीड रोल किसका रहेगा स्टडी में, क्योंकि फील्ड बेस्ड स्टडीज में लीड रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हो, पीआई कोई भी हो उसको मालूम ही नहीं होता हो क्या रहा है, ओनली द वर्कर नोज व्हाट ही इज डूइंग. मगर फील्ड स्टडीज में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीड रोल किसको लेना है. बिकॉज लीड रोल का जब मैं कह रहा हूं, यू मैनी टाइम्स यू हैव टू कॉन्टैक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, यू हैव टू कॉन्टैक्ट स्टेट ऑफिशियल्स, ओके, यू हैव टू डिसाइड एंड फाइनलाइज द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सिस. हाउ दिस, जैसे हमने गुजरात में जाके सर्वे किया यूएसएड का 1982 में, आई थिंक आधी ऑफ हाफ ऑफ यू मे माइट हैव नॉट बोर्न इवन, ओके. सो यूएसएड का हमने एक प्रोजेक्ट किया 1982 में गुजरात में, दो जिले थे सर, पंचमहल एंड भरूच, ओके. अब हम बॉम्बे से गए मगर रिसोर्सिस वहां लोकल यूज करने थे हमको, तो गाड़ी वहां लोकल हेल्थ ऑफिसर से मिलके गाड़ियां अरेंज की, स्टाफ का अपॉइंटमेंट किया, उनके रहने की इनकी फैसिलिटीज को एक्सप्लोर किया. तो बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं. यू कैन नॉट से समबडी विल डू इट. व्हेन समबडी विल डू इट, नोबडी डज इट एक्चुअली. सो समबडी हैज टू टेक द लीड रोल. एंड देन यू ऑल्सो हैव टू डिसाइड वाट इज द रोल ऑफ पार्टनर्स इन द स्टडी. जो को इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका क्या रोल रहेगा उसमें. ये बहुत ही एथिकल क्वेश्चन है. जनरली कुछ संस्थानों में ऐसा चलता है कि हमने काम किया एंड बाय डिफॉल्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स बिकम्स द ओनर ऑफ द स्टडी. जैसे कल मैंने एवरेस्ट वाला एक एग्जांपल दिया था आपको. ये एथिकल नहीं है एक्चुअली. अनलेस समबडी contributes to the work, he is not eligible to be the author. Ethically तो ये है असली point. बाकी तो सब चलता है. Sorry? They are the co-author. Ghost author. भूत कह दीजिए ना दिल्ली में. Okay. So I had lot of tussle because of these issues in my life. So, when I started working on lymphatic filariasis transmission in Odisha, so my director gave me two workers from entomology department. And then the head of the entomology, he wanted to become owner of my work. मैंने कहा भाई रात को 2-2 बजे तो मैं फील्ड में काम करता हूँ, तुम तो एक बार नहीं गए 3 साल में. ओके, इफ आई एम गिविंग यू ए को ऑथरशिप, यू शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट. एंड इफ यू फाइट फॉर मोर, आई विल रिमूव योर नेम फ्रॉम हियर. मैंने कहा तुम्हारे टेक्नीशियन का नाम दे दूंगा तुम्हारी जगह. सो एथिकल फाइट करने में कोई बुराई नहीं है जिंदगी में, ठीक है. सो व्हाट डेटा इज एसेंशियली नीडेड टू बी कलेक्टेड टू मीट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी. And what for additional objective? तो देखिए सर्वे में ये सारी चीजें आपको इन्वॉल्व करनी होती हैं. जब मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, जब आप क्रॉस सेक्शनल सर्वे कर रहे हो, एक ऑब्जेक्टिव आपका ये हो सकता है टू फाइंड आउट द प्रेवलेंस ऑफ ए कंडीशन. मॉर्निंग टॉक में मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल भी कर सकते हो आप उसको, that how the prevalence varies, how the prevalence differentiate with exposure related conditions. You are not measuring exposure but you are asking, okay. That is why this is the advantage, and many good researches have come out of cross sectional surveys. So cross sectional surveys aapko lead de dete hain ki aisa ऐसा होने से ऐसा हो सकता है,
एंड देन यू कैन डू ए डिटेल क्लिनिकल स्टडीज ऑन दैट. तो ये एक लीड रोल भी प्ले करता है उस तरीके से. तो आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग इट इज अ केस स्टडी, छोटा सा टॉक है, ज्यादा नहीं. ये हमारी स्टडी का टाइटल है, प्रजापति सर्विस में को इन्वेस्टिगेटर थे, हैं, मतलब अभी भी खत्म नहीं हुआ है. सो दिस वॉज द रिसर्च क्वेश्चन आई रेज्ड. एक्चुअली हमको एक घंटे का टाइम दिया डायरेक्टर ने, आई वॉज सिटिंग इन IRB, और डायरेक्टर ने कहा सर आप भी एक स्टडी ले लीजिए. तो मैंने कहा मैडम बहुत काम है, मेरे पास टाइम वाइम नहीं है. कहने लगा नहीं नहीं ले लीजिए आप. तो मैंने सोचा IMR का पैसा है, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, चलो ले लेते हैं. तो शाम को 6 बजे उन्होंने बोला, अगले दिन सुबह को हमने प्रेजेंट कर दिया कंसेप्ट नोट के रूप में. तो दैट इज दिस वॉज द क्वेश्चन बेसिकली. डज कोविड कम आयुर्वेद अप्रोप्रिएट बिहेवियर रिजल्ट्स इन ए डिफरेंस ऑफ 2% इन द इंसिडेंस ऑफ कोविड इन्फेक्शन इन कंपेरिजन टू दोज पर्सन्स हु डू नॉट प्रैक्टिस सच बिहेवियर. ओके, डिड हमने इसलिए यूज किया बिकॉज वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम द पास्ट, कोविड से पहले का बिहेवियर. ओके, एंड सो कोविड. सो दिस वॉज द रिसर्च क्वेश्चन. इस रिसर्च क्वेश्चन को हमने कई जगह इसको ब्रेक किया फिर डिटेल्ड में, कि इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 वॉज, वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑन कोविड इन्फेक्शन रेट. सिमिलरली वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ आयुर्वेद अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑन कोविड इन्फेक्शन रेट. एंड थर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू, विच इज द मेजर मेन रिसर्च क्वेश्चन. एंड फोर्थ इज हाउ इट इम्पैक्ट ऑन इंसिडेंस रेट ड्यूरिंग 1 year फॉलोअप. जो लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि अगर हम आज पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आपने ऐसा ऐसा किया था क्या, कोविड हुआ नहीं हुआ, ये तो हमने आज पूछा. वी डू नॉट नो द इंफॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग इज राइट और रॉन्ग. तो हमने क्या किया, इसको फॉलोअप स्टडीज में कंबाइन कर दी. तो आज एज्यूमिंग दैट वट एवर इज बींग रिपोर्टेड टू अस इज ओके, वी आर फॉलोइंग देम एवरी मंथ फॉर 1 year. ओके, एंड वी विल फाइंड आउट वट इज द इंसिडेंस. लकीली और अनलकी फॉर अस फॉर द स्टडी, वो कोविड ही डिसअपियर हो गया. अभी जो प्रेजेंट वेव आई है छोटी सी, उसमें हमको 7-8 पेशेंट मिले हैं इंसिडेंस के कुल, और स्टडी साइज इज फेयरली लार्ज. देन व्हाट आर द एसोसिएटेड रिसर्च क्वेश्चंस. डज एनी कोमॉर्बिड कंडीशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कोविड, एंड इफ सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कोमॉर्बिड कंडीशंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स. ओके, देन वी रेज मैनी क्वेश्चंस टू अवर सेल्फ. आई थॉट देर विल बी ए स्टेज दैट सिस्टम विल आस्क मी कि भैया 10 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च किया, इसमें तो कुछ निकला ही नहीं. तो हमने कहा चलो अब ठीक है, कुछ इसमें ऐड कर देते हैं. तो हमने क्या किया, मधुमेह असेसमेंट टूल डाल दिया उसमें. एक कोमॉर्बिडिटी तो मेजर करनी थी ना, डायबिटीज इज वन ऑफ द कोमॉर्बिडिटी. तो हमने मधुमेह असेसमेंट टूल डाला उसमें, और साथ में RBS, ब्लड प्रेशर वाले पैरामीटर्स वो सब डाल दिए, और लेफ्ट आर्म का भी और राइट आर्म का भी, इंटर आर्म डिफरेंस. द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी थॉट इट वुड जनरेट एंड इट हैज जनरेटेड बिकॉज वी कीप ऑन मॉनिटरिंग व्हाट इज हैपनिंग. सो सैंपल साइज 3600 का है इस स्टडी में. ओके, तो हमने सोचा कि RBS के बेस पर हम ये डिसाइड जरूर कर सकते हैं what proportions of individuals are at the risk of developing diabetes. Okay,
सो अगर 160 से 200 और 200 से अबव दो क्लास अगर हम बनाएं तो हमें कुछ इंडिकेशन जरूर मिलेंगे, ऑल दो आर बी एस वी ऑल नो इज नॉट कन्फर्मेटरी। मगर अगर हम अपने हॉस्पिटल से एच बी ए वन सी का डेटा और आर बी एस का डेटा निकाल के एक रिलेशनशिप फिट कर लें उसमें, तो वी कैन प्रेडिक्ट कि अगर आर बी एस 200 है व्हाट इज द लाइकली वैल्यू ऑफ एच बी ए वन सी, ओके, एंड व्हाट इज द सेंसिटिविटी और सब रिलेशनशिप, वो हम कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड चीज हमने उसमें डाली इंटर आर्म डिफरेंस ब्लड प्रेशर, क्योंकि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में इंटर आर्म डिफरेंस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ मेजरिंग रिस्क। तो ये सब चीजें हमने उसमें डाली विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो हमने कहा अगर वहां से नहीं निकला तो यहां से जरूर एक दो पेपर तो निकाल ही देंगे टू सेटिस्फाई द सिस्टम। तो ये बेसिकली आप जब ही कर सकते हैं जब आप ईगर हो। वो जो क्वेश्चन में बार बार कहता हूं ना, क्वेश्चन रेज करिए अपने आप से कि ठीक है ऐसा है ओके क्या कर सकते हैं इसमें। वो क्वेश्चन आपको स्ट्रेंथ देता है एक्सप्लोर करने की, ठीक। तो ये छोटा सा ही प्रेजेंटेशन है आज मेरा। तो सेकंड हमने पूछा हाउ मेनी नो दैट दे आर डायबिटिक। तो हमने उनसे पूछा जो बंदा आता है उसको हमने पूछा भाई आपको पता है कि आर यू डायबिटिक। तो जिनको पता था उन्होंने कहा यस। हमने पूछा दवाई खाते हो नहीं खाते हो, वो पूछ लिया। जिनको नहीं पता था उनका वैसे रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारे पास देखिए डिफरेंशियल्स आ गए, नो दे डू नॉट नो दे आर डायबिटिक, दे नो दे आर डायबिटिक, हाउ मेनी ऑफ देम आर टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज। तो ये डिफरेंशियल वैल्यूज आ गई एक ही पैरामीटर की, ठीक है। हमारे पास रिलेटेड पैरामीटर्स ऑलरेडी हैं। सो वी अटेम्प्ट टू मेक यूज ऑफ सम पैरामीटर्स विदाउट एडिंग फॉर कॉस्ट। देन थर्ड वी एडिट व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ प्रोबेबल रिस्क ऑफ बीइंग डायबिटिक। वी डू आरबीएस ओनली। हमने अपने वर्कर्स को बोला स्पॉन्टेनियसली आरबीएस करते रहो बैठ के। व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर हम मेजर कर ही रहे हैं तो 3600 का सैंपल साइज छोटा नहीं होता है ना। अगर आपको कोई स्टडी करनी पड़ जाए 3600 लोगों की केवल ब्लड प्रेशर स्टडी करने के लिए कि व्हाट इज द प्रोबेबल रेट ऑफ हाइपरटेंशन इन सच पॉपुलेशन, इट विल कॉस्ट यू। हम लोग फ्री में कर रहे हैं है ना। तो ये तरीका है जस्ट टू मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। एंड इफ यस हाउ मच इज इंटर आर्म वेरिएबिलिटी। एज आई सेड इंटर आर्म वेरिएबिलिटी इज वन ऑफ द इंडेक्स फॉर पीएडी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। एंड देन वी आर ऑल्सो मेजरिंग हाइट एंड वेट, सो ओबेसिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कलेक्टेड। नाउ वंस वी डिसाइडेड टू अंडरटेक दिस वर्क, हमने सोचा कि भाई लिटरेचर में देखते हैं इन पैरामीटर्स का कोई असेसमेंट कहीं हुआ हो। तो क्योंकि ये अर्ली स्टडी है, हालांकि स्टार्ट लेट हुई क्योंकि ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज में मोर देन वन ईयर लग गया पैसा रिलीज होने में, तब तक कोविड गायब हो गया है ना। तो लिटरेचर में हमने सर्च किया तो हमको एक स्टडी मिली बीएमसी पब्लिक हेल्थ में, विच गेव अस सम आइडिया कि दैट यस दीज पैरामीटर्स कैन बी क्वांटिटेटिवली असेस्ड, ओके, एंड दीज आर द इम्पैक्ट्स विच दैट स्टडी रिवील्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच शुड बी द साइज ऑफ द स्टडी सैंपल साइज। तो इसमें हमने एक कंडीशन यूज की, सिंस द प्रोजेक्ट एम्स टू स्टडी इंसिडेंस
affected by COVID appropriate behavior and Ayurveda appropriate behavior, following assumptions are made. One, in a year's time, about 4% persons would be affected in a cohort, and thus 96% would survive unaffected over a period of 1 year. And this 4% will be among those who do not practice either of the two. Okay? This is based on incidence trend in COVID. ये हमने वहां से लीड लिया उसमें से. Another assumption was the cohort, in another cohort of expected people who will exercise COVID appropriate or Ayurveda appropriate behavior, the incidence is expected to be half of the earlier one, that is 2%. जब भी आप सैंपल साइज की बात करेंगे, आपके पास सम बेसिक इंफॉर्मेशन इज ए मस्ट. हम क्वाइट ऑफन वी फेस दिस सिचुएशन. बच्चे आके खड़े हो जाते हैं, सर वो दो ग्रुप में स्टडी करनी है, ये करना है, वो करना है. मैंने कहा ओके फाइन सर, वो सैंपल साइज कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा पहले ये बताओ कि कंपैरेटिव ग्रुप क्या है आपका. ऑल्दो दिस इज नॉट ए एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कंपैरेटिव ग्रुप जो आप ले रहे हो उसमें कितना रिजल्ट मिला आपको पहले कभी, या कोई पब्लिश स्टडी है या अर्लियर स्टडी है? कहीं ना कहीं से आपको क्लू लेना पड़ेगा, ठीक है ना? जब कहीं नहीं मिलता तब तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, शास्त्र में बताओ क्या लिखा है. अगर शास्त्र कहता है कि इट इज हाईली इफेक्टिव, तो अकॉर्डिंगली हम कहते हैं अच्छा ठीक है, मान लेते हैं 60-70% इफेक्टिव है, और उसके ऊपर जो आप बिल्डअप कर रहे हो उसको कह देते हैं अच्छा ठीक है 10% मोर इफेक्टिव, है ना? बट लीड लेना बहुत जरूरी है. व्हेन यू टेक ए लीड फ्रॉम सम पब्लिश मटेरियल, यू आर नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस. बट इफ यू टेंटेटिवली एंड आर्बिट्रेरली डिसाइड समथिंग, यू आर ऑलवेज एट द रिस्क ऑफ बीइंग क्वेश्चन, हाउ डू यू से दिस? सो ये समझने की जरूरत है इस बात को. इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट अबाउट 1 in 4 ओनली प्रैक्टिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड आयुर्वेद अप्रोप्रिएट बिहेवियर. तो हमने ये माना कि दिस बिहेवियर इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, समय नहीं मिलेगा हमको. तो हमने सोचा कि इसको 1:3, 25% में हम मान के चलते हैं कि 25% लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट कम आयुर्वेद अप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज किया होगा. हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन डेटा कुछ नहीं था ऐसा, तो ये एक अजम्पशन है इसलिए, ठीक है? एंड देन द कॉन्फिडेंस लेवल अज्यूम्ड टू बी 95% एंड पावर ऑफ द स्टडी एज 80%. द सैंपल साइज इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू 2e/(2 - P1 - P2). ये जो P0 P1 लिखा है बेसिकली ये नॉन इन्फेक्शन का प्रोपोर्शन है दोनों ग्रुप में, P0 P1, और P1 P2 प्रोपोर्शंस ऑफ कोविड. तो जो ई इसमें न्यूमरेटर में जो ई दिख रहा है आपको, उसकी वैल्यू है HR+1. HR इज हैजार्ड रेट. HR+1 का होल स्क्वायर इंटू Z माइनस
जेड वन माइनस अल्फा बाई टू प्लस जेड वन माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एच आर माइनस वन का होल स्क्वायर. एंड एच आर इज डिफाइंड लाइक दिस, लॉग टू द बेस ई पी टू डिवाइड बाई लॉग पी वन. एंड सैंपल साइज कैलकुलेटेड इज 3600. We have approximated as 900 and 2687, 1:3. I said 1:3. So it is 1:3. So 900 and 2700. So total sample size was 3600. Now we have to define most of the parameters. So COVID and Ayurveda appropriate behavior recommended during last months, this we have taken from Ayush Ministry's website. Greet AB means appropriate behavior, COVID appropriate and Ayurveda appropriate. Greet without physical touch. It was in the form of Namaskar format. Namaskar, haath nahi milayenge. Maintain physical distance of 6 feet. Avoid COVID or travel. Wear reusable face mask. Avoid touching eyes, nose and mouth. जो बार बार जिन लोगों को आदत होती है ना आंखें मसलने की, मान लिया हाथ यहां लगा और इन्फेक्शन यहां पर है, देन इट विल गो. टू मेंटेन रेस्पिरेटरी हाइजीन. Wash hands frequently and thoroughly, touch-related transmission. Clean and disinfect frequently touched surfaces. In fact, there were also suggestions that when you are traveling in your lift from ground floor to upwards, don't touch anything. Clean and disinfect frequently touched surfaces. Do not spit in the open. If symptoms like cough, fever, body ache, etc. happens, get yourself tested for COVID. Take vaccine to protect you. Against this, Ayurveda appropriate behavior was Ayush Kadha, taking giloy or samsanivati, nasya, anutel, chavanprash, अश्वगंधा चूर्ण, आयुष 64, गोल्डन मिल्क, वार्म वाटर और एनी अदर. व्हेन वी डू नॉट नो दैट द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, ऑलवेज लीव ए ओपन क्वेश्चन. ओपन क्वेश्चन गिव्स यू स्ट्रेंथ टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड वंस. ओके, बिकॉज यू डू नॉट नो. एंड such answers are not very common also. So you will collect those information which is uncommon. Okay? And if you get some relationship, that will be helpful. Regularity status, since most of these parameters are qualitative in nature, we cannot quantify them properly. So we defined regularity. If suppose washing hands, घर के बाहर से चार बार आया, अगर उसने तीन बार हाथ धोए अपने, तो we call it regular, 3 to 4 times. Okay, that means more than 75% of the times, if he has done that, we assumed it will be taken as regular. If it is not done so, it is irregular. And if he is not done, if he has never done it, then we say never done it. Okay, so this was the criteria we used. Now plan of action, we ask what has happened prior to that interview date, what has happened during last 6 months. I'll show you the questionnaire.
It's just 2-page questionnaire. Okay. So what has happened during last 6 months? And then we collected contact information of everyone. Mobile number and household address. Although we do not intend to visit their house where they live, but on phone we keep on contacting. Okay. So we ask them, by in 1 month, anything related to COVID has happened or not. So if somebody says, yes, I was found positive, then we will ask us, what is the date of that test you have undergone? Okay. And what are the symptoms you had that time? Only this much information we have collected. So the questionnaire-based survey would be conducted among those coming to take vaccines. A population kahan jaye? COVID ka halat hain. Household survey karne ke liye workers ready nahi hote. Hai na? To humne kaha ki bhai aisa karo, jo hamara jo jahan par COVID ka vaccine lagate hain, us point par baitho aap. Logic was ki jo bhi vaccine lene ke liye aa raha hai, kam se kam pichle 3 mahine mein he is not COVID positive. So safety aspect is taken care of. Okay. So he might have been positive, might have not been positive earlier. So all that information will be collected. Okay. They are not patient. They are healthy oriented. May not be healthy. Yes. किस टाइप की बायस समझते हो आप? भाई जो वैक्सीनेशन के आ रहे हैं वो अवेयर हैं पहले से. जो अवेयर हैं वो पहले से उसकी फॉलो कर रहे हैं. Not necessary. हमारे देश में अवेयरनेस काम नहीं करती सर. ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इनसे सबसे कहो आप सिगरेट पीना हेल्थ के लिए. सबको पता है वैसे. आप इनसे सबसे कहो, मगर इनमें से आधे मिल जाएंगे आपको सिगरेट पीते हुए. हमारे देश में एक ही चीज़ काम करती है. अगर अभी आप कह दो कि कोविड से फिर डेथ बढ़ गई है, तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया सब आ जाएंगे निकल निकल के. ठीक है. बेसिकली इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. और एट द सेम टाइम slightly skewed population is there, because all those young ones will not come, or very young ones will not come, क्योंकि वैक्सीन 18 साल से ऊपर ही लग रहा है. ठीक है ना. तो वो स्लाइट बायसनेस उस टाइप की हो सकती है कि इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में तो हम कर ही नहीं रहे, है ना. बच्चों में कोविड हुआ ही कितने को था? बहुत रेयर था, है ना. तो इसलिए लार्जली वी कैन टेक इज ए रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन. ऑल्दो वी हैव टू टेस्ट दिस, वी हैव टू टेस्ट दिस यूजिंग द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली. उसको स्टैंडर्डाइज करके देखेंगे कि कुछ लार्ज डिफरेंस तो नहीं आ रहा है. आएगा नहीं वैसे, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, मगर फिर भी करके देखेंगे. तो उनसे क्वेश्चनेयर में हमने लोकेशन कोड्स पूछे, फोन नंबर लिया, एड्रेस, करंट डेमोग्राफिक स्टेटस में एज, सेक्स, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हाइट, वेट, ISQ. ISQ WHO ने डेवलप किया है, हमें अभी तक उसकी कोई ज़्यादा यूटिलिटी कोविड में दिखाई नहीं दी. कई स्टडी करी हम लोगों ने. ठीक है. क्योंकि ISQ अपने आप में इतना सब्जेक्टिव है. ये लोग पूछते हैं कि पिछले एक साल में कितने बार बीमार पड़े, कितनी खांसी हुई, कौन बता रहा है आपको? सब कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ सब. तो 96% से ज़्यादा का ISQ आता है. तो अभी तक कई स्टडी हम लोगों ने कर ली कोविड की, जिसमें ISQ को डाला गया, कोई रिलेवेंट डिटेल निकल के नहीं आई. फिर नंबर ऑफ वैक्सीन्स, डोज टेकन, when, complications if any, use of COVID appropriate behavior,
सारे पैरामीटर उसमें लिस्ट किए हमने, आयुर्वेद अप्रोप्रिएट बिहेवियर के पैरामीटर डाले, ओके, रेगुलरिटी स्टेटस पूछा ड्यूरिंग लास्ट सिक्स मंथ्स, एंड दे वुड ऑल बी फॉलोड एवरी मंथ अबाउट एनी डिफिकल्टीज, रेगुलरिटी स्टेटस, एनी हेल्थ प्रॉब्लम एंड कोविड इन्फेक्शन. टू मेंटेन फॉलो अप कोहोर्ट, सम आयुष प्रिपरेशन वॉज प्लैंड, बट लेटर ऑन वी डिड नॉट डू दिस. Why we did not do it? Because many people thought that it would create ethical issues. कि आप लालच दे के बुला रहे हो लोगों को, तब वो बायसनेस का कंपोनेंट बन सकता था, है ना. हमारा डॉक्टर प्रोफेसर प्रजापति का आइडिया ये था कि उनको कुछ ऐसी चीज़ दे देंगे जो उनको एंटरटेन, जैसे कोई दे दिया जैसे डाइजेस्टिव टॉनिक दे दिया मान लिया कोई, तो कहने लगे साहब हमारे पास बहुत पड़ा है, भरा हुआ है, वो दे देंगे सबको एक एक. तो मैंने कहा सर 12 महीने तक करेंगे फॉलोअप तो डिफिकल्ट होगा, तो फिर हमने उसको ड्रॉप कर दिया. छोटा सा पॉइंट था, उसको हमने फिर ड्रॉप कर दिया. दिस वॉज द प्लानिंग फॉर टाइम एंड द बजट. So small. But it is not small just because it is convenient to be small. I want question answers if you have, because this is directly useful to you. Ha, please. हेल्थ असेसमेंट स्केल है ना, हेल्थ असेसमेंट स्केल है, CCRS का ही है. पर सर, सर को ज़्यादा नॉलेज होगी, मैं तो वही पढ़ाता हूँ जो आप लोगों से सीखता हूँ. हाँ, हेल्थ असेसमेंट स्केल है. एंड लेट मी टेल यू इन वेरी क्लियर वर्ड्स, जब भी आप अपेरेंटली हेल्दी वर्ड यूज करें किसी भी स्टडी में, you must use some scale to assess health. Okay? Otherwise, there will be lot of confounding information coming in. तो कोई ना कोई स्केल जरूर यूज करिए कट ऑफ के लिए, कि दीज आर हेल्दी, अपरेंटली हेल्दी नहीं चलेगा. दिस इज द स्केल वी हैव यूज टू असेस हेल्थ स्टेटस, एंड एज पर दिस स्केल दीज आर द हेल्दी वर्ड्स, दिस वी हैव टेकन. ओके, यस. सबको सब कुछ आता है, मुझे नहीं आता. दो चार क्वेश्चन तो पूछ लीजिए. नहीं, IRB में जब जाओगे सिनॉप्सिस लेके तो बड़े सवाल पूछेंगे लोग आपसे. मेरे यहाँ फाइनल ईयर PG के स्टूडेंट्स जब थीसिस का काम भी मुझसे करवाते हैं, मैं आउट ऑफ प्लेजर करता हूँ उनका काम. ये मेरे मैंडेट में नहीं है कि मैं किसी की डेटा एनालिसिस करूँ, बट आई डू इट आउट ऑफ प्लेजर. वो बच्चों के चेहरे पर जब मैं रौनक देखता हूँ तो मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है उससे, समझे. और दूसरा फ़ायदा उसका ये हुआ कि इंस्टीट्यूट्स में जिस क्वालिटी का काम चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है. बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने मुझे इसलिए यूज करना शुरू कर दिया कि कल को ये सवाल पूछेगी सबसे ज़्यादा, तो पहले इनसे वेरीफाई करवा लो. हैं, ये बचने का तरीका है. आप मुझसे 500 सवाल पूछो, 500 का जवाब दूंगा, मगर 500 के बाद 10 और पूछ लूंगा आपसे, ठीक है ना. क्योंकि जब आप प्रेजेंट करोगे, जब सवाल तो जब आएंगे ना दिमाग में, ठीक है ना. तो कहने का मतलब यह है कि
ये तभी मैं बार बार कहता हूँ, अपने आप से क्वेश्चन रेज करो, और अगर दो तीन जने साथ साथ रहते हो तो एक दूसरे से डिस्कस करके क्वेश्चन रेज करो कि देखो भाई इसमें क्या खराबी लग रही है आपको, हैं? ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। अगर आप अपने फ्रेंड को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, यू विल नेवर बी एबल टू कन्विंस पर्सन लाइक मी एंड प्रोफेसर रितेश, ओके? क्योंकि वो आपकी वेवलेंथ पर है। अगर अपनी वेवलेंथ के आदमी को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो हमें नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो क्वेश्चन रेज करना इसीलिए बहुत अच्छी चीज है। तो आप पूछ लीजिए, मैंने आपको प्रमोट कर रहा हूं, प्रवोक कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं पूछ रहे हो, हैं? नहीं कह दो बाय बाय, चलो थैंक यू। बहुत बहुत हार्दिक आभार अभिनंदन सर, आपने कोविड रिलेटेड केस स्टडी और फॉर्मूला किस प्रकार निकालते हैं वो डिटेल से बताया, और पहले भी आप इस प्रकार के हमारे सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन के टाइम बच्चों को गाइड कर चुके हैं। जो नया बैच है उसको सीखने की ज़रूरत थी, सर ने मौका दिया आपको बार बार कि अभी भी पूछ लीजिए। जो पुराने बैच हैं दो तो जानते हैं सर के बारे में क्योंकि उनसे मिल चुके हैं पहले, जो न्यू बैच आया है उनके लिए कह रहा हूँ मैं। अभी चांस था कि सर कह रहे हैं कि अपने वेव लेंथ वालों को भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो आगे फिर कैसे सर्वाइव करोगे, तो अभी से प्रयास करें। सिनॉप्सिस लिखने का टाइम जल्दी आ रहा है आप लोगों का, अधिक समय नहीं है उसमें। हाँ हाँ, आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, कल तक का टाइम भी है सर से क्वेश्चन, अगर आपको कुछ आ रहा है अभी नहीं आ रहा है बाद में पूछ सकते हैं, कल तक का टाइम है। बाद में का मतलब दो तीन दिन बाद का टाइम नहीं है, कल तक का टाइम। सर ने कल भी कहा था अनिल सर ने कि क्वेश्चन जैसा भी है कुछ ना कुछ तो होता है, ऐसा तो है नहीं होता नहीं है, जैसा भी क्वेश्चन है पूछो तो सही, अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो सही हो जाएगा, यही तो कहा सर ने कल। अगर आप गलत पूछ रहे हैं तो उसमें सुधार हो जाएगा आपका, तो कुछ तो पूछो, तो अभी नहीं कल पूछना। तो एक बार सर के लिए तालियां जोरदार। खुदा ने जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, खुदा ने जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, तालियां वो बजाओ जिनके हाथों में दम है, तालियां वो बजाओ जिनके हाथों में दम है। अब मैं नेक्स्ट गेस्ट लेक्चर के लिए प्रोफेसर हितेश व्यास सर को आमंत्रित करूंगा, वो अपना गेस्ट लेक्चर देने के लिए मंच पर पधारे सर।
तो बिल्कुल मॉडर्न टाइम चल रहा था कोविड का अभी थोड़ी देर पहले, और वहाँ से मैं आपको 5000 साल पहले ले जाने वाला हूँ कि एंशियंट टाइम में क्या रिसर्च मैथोलॉजी हुआ करती थी, हमारी संहिताओं में क्या है, कैसे है, रिसर्च है नहीं है, कैसे है क्या है। कुछ बातें जो है सुबह गुरुजी ने बता दी है तो वो रिपीटेशन होगा, बट उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा उदाहरणों के साथ समझेंगे। अभी मैं उठ करके यहाँ आ रहे थे तो कुछ तालियाँ थोड़ी बहुत इसमें बज गई। हम ड्रामा वाले लोग जानते हैं कि जब आप शुरू करते हैं तालियाँ बजती है तो उसका अर्थ ये होता है कि बस बहुत बोर हो गए हैं, अब मत करना है ना। तो बट अब क्या करें, इन लोगों ने इतना बुलाया है, मेरे पीछे इतना खर्चा किया है तो मैं बोलूँगा तो सही, ये तो एथिकल इश्यू है कि पैसे ले लूँ और बोलूँ नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि आने जाने के टिकट वगैरह सब कुछ देने वाले हैं ना सर। हाँ ठीक है, तो बोलना तो है और मुझे बोलना है तो आपको सुनना भी है, ये भी निश्चित है। तो हम बात करेंगे एंशियंट रिसर्च मैथोडोलॉजी की। ये स्लाइड पहले हो चुकी है कि ये मेथोडोलॉजी क्या है। ये एक लॉजिकल सिस्टमेटिक प्लान है, इसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। नाउ दिस इज द जनरल वे ऑफ रिसर्च। इसके एक एक स्टेप को आप ध्यान रखिए कि कैसे हैं। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये बात भी हम पहले कल से हम कहते आ रहे हैं तो ये रिपीट होती है, बट क्यों होगी ये इसकी बात की स्लाइड में आपको पता चलेगा कि ये मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ फिर से एक बार, कि प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले होता है। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, दैट मीन्स वट एवर द एग्जिस्टिंग नॉलेज वी हैव, जो प्रॉब्लम है उसके संदर्भ में हमारे पास क्या नॉलेज है, क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज है, क्या हमारे पास डेटाबेस है, उसका हम रिव्यू करते हैं। देन वी विल फाइंड द रिसर्च गैप और द लैक्यूना, कि कहाँ गड़बड़ है, प्रॉब्लम क्यों अभी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसोर्स क्या हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इट्स अ जनरल वे, स्टेप बाय स्टेप पहले मैं कह चुका हूँ कि भाई अभी ये प्रॉब्लम है, इतना काम हो चुका है, ये हो चुका है, बट फिर भी ये कुछ है तो ये कैसे हो सकता है, इसका प्रॉब्लम या इसका सॉल्यूशन कहाँ से ला सकते हैं। सो वी विल लुक फॉर द रिसोर्सेज टू फिल दैट गैप। फिर वो जो भी कुछ रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं उनको हम व्यवहार में लाते हैं, एप्लीकेशन में लाते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। एक बार सॉल्यूशन हो जाता है प्रॉब्लम का, रिजल्ट आ जाते हैं, कंक्लूजन आ जाता है, देन डॉक्यूमेंटेशन या पब्लिकेशन। सो दिस इज अ जनरल वे ऑफ रिसर्च, कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर के लेटेस्ट और या लास्ट स्टेज इज द डॉक्यूमेंटेशन या पब्लिकेशन। राइट नाउ अगर आपको याद हो तो आप चरक संहिता सूत्र स्थान पहले अध्याय में हिमवत पार्श्व में ऋषियों की जो परिषद हुई उनको याद करिए। एंड लेट अस थिंक क्या है, हम एक एक स्लाइड आगे पीछे जाते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीराम कस्ते श्याम समोपाय, है ना। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि भाई रोग जो है ये उत्पन्न हो गए हैं, जो ताप उपवास व्रत में बाधा पहुंचा रहे हैं, अब इसका क्या उपाय। द प्रॉब्लम वॉज आइडेंटिफाइड बाय द एंशियंट ऋषिज। उसके पहले क्या था, उसके बाद का स्टेप क्या था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर फॉर द एग्जिस्टिंग नॉलेज, है ना। तो ये जो ऋषि थे वो कोई सामान्य लोग तो नहीं थे, इनके लिए लिखा उन्होंने तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुषाम, तो उन्होंने अपने अपने स्तर पर इन सब द्वारा अपनी अपनी नॉलेज के द्वारा इसको सॉल्व करने का प्रयास ऑलरेडी किया था। उन्होंने अपने अपने तप का अर्थ क्या समझते आप, तप माने क्या, तप माने वो जंगल में जा करके वो दाढ़ी बढ़ा करके पेड़ के नीचे यूं बैठ लेना, वो तप है क्या,
ये प्रतीकात्मक चीजें हैं, किसी भी एक परिणाम के लिए एक जो आपका गोल है, जो एक आपका एक टारगेट है, उसको पाने के लिए बाकी सब चीजों से अलग होकर के केवल उसके पीछे पड़ जाना, दैट इज तप, समझिए, है ना। तप का अर्थ ये है, फिर तप के बाद ईश्वर का साक्षात्कार होता है, दैट मीन्स दे गॉट व्हाट दे वांट, उन्होंने जिसके लिए साधना की, जिसके लिए जो एक टारगेट फिक्स किया, जो गोल फिक्स किया। तो ये सब जो हमारे क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम वो टीवी पे सीरियलें देख देख करके जो है ना हमारी पूरी दिमाग खराब हो गई। ऋषि माने वो लंबी दाढ़ी बाड़ी वाले है ना, आश्रम बना करके रहते हैं, ओ राक्षस उनको परेशान करते हैं, ये सब चीज़ें जो है पौराणिक बातें सभी जो है वो प्रतीकात्मक है, उनके पीछे के मीनिंग समय देखने हैं। सो तप उपवास ब्रह्म, क्योंकि मैं भी फिर गुरु जी की तरह अगर ट्रैक बदल गया तो फिर बहुत देर लग जाएगी, इसलिए ट्रैक चेंज नहीं करता हूँ, अभी मेन ट्रैक पे ही रहता हूँ। कि इन्होंने अपने अपने स्तर पर जो है, जो उनके पास ज्ञान था, जो उनके पास विद्याएं थी, उनके द्वारा इस प्रॉब्लम का, माने जो रोग उत्पन्न हुए थे उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया था, बट वॉज देवर नॉट सक्सीड। इसलिए सभी इकट्ठा हुए हिमवत पार्श्व में, सब ने विचार किया, सबके लिए यह प्रॉब्लम था। देन वॉट वॉज द थर्ड स्टेप, आगे की स्लाइड देखेंगे कि याद है, रिसर्च गैप, कस्तस्याम शमोपाय, क्या हो सकता है। देन आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेस, कि इसमें कौन सा रिसोर्स है जो हमें हेल्प कर सकता है, कैसे सोल्व कर सकते हैं। अथते शरणम शक्रम दद्य शुर ध्यान चक्षुषा, उन्होंने सोचा, उन्होंने ये उपाय निकाला कि हाँ ये है, जिसके पास इसका उपाय है इसके पास जाकर के इसका उपाय ढूंढो, इसके पास जाकर के कुछ सीख करके आओ। ये एक हमसे दो स्टेप आगे साइंटिस्ट है जिसने इसके ऊपर कुछ काम किया है, जो इसके बारे में जानता है, जो इसके बारे में इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए, ये सब इनको पता है। तो उनके पास जा कर के उनकी नॉलेज लो, देन एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। उन्होंने रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया, रिसोर्स के पास से लिया, क्या लिया, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुधम यह पितामह। त्रिसूत्र आयुर्वेद को जो है वो उन्होंने उनसे ग्रहण किया कि ये हेतु हो सकते हैं, ये लक्षण हो सकते हैं, ये चिकित्सा हो सकती है, उसका एप्लीकेशन किया। एंड देन उस एप्लीकेशन का जो कंक्लूजन आया, रिजल्ट आया, परमम शर्मम जीवितम चक करके जो है कि उन्होंने परम आयुष्य को प्राप्त किया। दैट वॉज द कंक्लूजन, दैट वॉज द रिजल्ट, दैट वॉज दे हैव अचीव्ड, के रोगों को दूर किया, अच्छी तरह से स्वस्थ रूप से जिए, परम आयुष्य को प्राप्त किया उन्होंने, तज ज्ञात्वा त्रिसूत्रम उनको जान करके। और उसके बाद ये सब होने के बाद अग्निवेश के द्वारा संहिता की रचना की गई, दैट वॉज द डॉक्यूमेंटेशन। सो द चरक संहिता वॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर अबाउट द सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम। सो इट वॉज नथिंग बट अ रिसर्च रिपोर्ट, आज आप हम जिसे कहते हैं कि जो अल्टीमेट लास्ट जो होता है, तो उस प्रकार से। सो दिस एंटायर स्टोरी, जिनको हम कहानी मानते हैं, विच इज बिलीव्ड एज अ मैथोलॉजी, इट्स नॉट एक्चुअली मैथोलॉजी, इट्स अ मैथडोलॉजी, है ना, ये कोई मैथोलॉजी नहीं है, इट्स अ मैथडोलॉजी। और यहीं से शुरू होता है कि भी एंशियंट रिसर्च की मेथड्स क्या थी, कैसे करते थे। सो लेट अस मूव फर्दर कि क्या होता था। टर्म्स की सुबह बात हो गई है, अनुसंधान सुबह गुरुजी ने बात की, उनको अर्थ किया, व्याकरण उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है, तो मुझे उसके विषय में बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है।
अनुपश्चात संधान जोड़ना योग करना खोजना ये इस शब्द का अर्थ है जो उन्होंने बताया कि शास्त्र में जो शब्द मिलते हैं यह है अन्वेषण परेषण गवेषण ये तीन शब्द मिलते हैं हमें एषण शब्द जो है एषणा गुरुजी ने सुबह बताया था बट शल्य वाले जानते हैं कि एषण एक कर्म होता है ना शल्य वाले कितने सर एषण प्रोबिंग प्रोबिंग को कहते हैं ना हाँ तो एषण एक कर्म होता है घुसना अंदर ठीक है तो एषण माने किसी भी शल्य की दृष्टि से नाड़ी व्रण के अंदर या बगंधन के अंदर एषण किया जाता है उसके अंदर झांका जाता है बट अंदर घुसना किसी भी विषय के अंदर घुसना तो अनंतरम एषणम टू गो डीप इनसाइड द सब्जेक्ट अनंतरम इसके बाद इसके बाद इसके बाद एक के बाद एक लेयर क्रॉस करते जाओ अंदर घुसते जाओ दैट इज अन्वेषणम परितः एषणम चारों तरफ से परितः परितः माने चारों तरफ से अंदर आप किसी भी विषय के अंदर घुसो दैट इज परेषणम गवेषण के दो अर्थ है गवामीव एषणम इंसेंटिव केयर अगर आप प्रिय शर्मा जी की पुस्तक देखेंगे आयुर्वेदी अनुसंधान विधि करके पतली सी पुस्तक है करीब 50-60 साल पहले लिखी गई है 61 साल से पहले लिखी गई है क्योंकि 30 साल पहले तो मैं पढ़ चुका हूँ उसको तो उससे भी उस वक्त भी ये 15-20 साल पुरानी हुआ करती थी तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जैसे चरवाहा गायों को ढूंढता है उस तरह से किसी को ढूंढना विषय को ढूंढना अब ये चरवाहा गायों को ढूंढता है माने अगर गाय खो गई है तो वो कितनी तीव्रता से उसे ढूंढेगा कितने इंसेंटिव उसकी मतलब उसके लिए वो पूरा प्रयास करेगा जो भी हो सके वो सब करेगा उस प्रकार से खोजना दैट इज गवेषण और दूसरा है गोभी गो माने इंद्रिय माने तो पंचेंद्रियों के द्वारा हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा किसी भी विषय को अच्छी तरह से जानना दैट इज गवेषण सो दिज आर द टर्म्स यूज इन द क्लासिक्स हमारे शास्त्र में जो है वो अनुसंधान शब्द ज़्यादा नहीं मिलता है कहीं पर भी बट ये तीन टर्म्स जो है अन्वेषण परेषण गवेषण ये हमें प्राप्त होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आयुर्वेदी अनुसंधान विधि या तो प्राचीन अनुसंधान विधि को जानने के लिए वो है परीक्षा परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम अनया इति परीक्षा ऐसा चक्रपाणी ने लिखा है कि परीक्षा किसे कहते हैं तो जिससे वस्तु स्वरूप का पूर्णतः ज्ञान हो कोई भी वस्तु कैसी है वो जिसके द्वारा आपको पता चलता है वो प्रक्रिया वो प्रोसेस वो परीक्षा है याद रखिए मैं शब्द प्रक्रिया दे रहा हूं साधन नहीं दे रहा हूं क्योंकि साधन प्रमाण है प्रमाण और परीक्षा में ये अंतर है प्रमाण जो है वो एक साधन है जबकि परीक्षा जो है उन साधनों के द्वारा होने वाली पूरी एक प्रक्रिया है तो जिन प्रक्रिया से आप वस्तु के वस्तु माने यहाँ पे कोई भी आपका प्रॉब्लम है व्यक्ति हो सकती है वस्तु हो सकती है घटना हो सकती है कुछ भी हो सकता है वो उसका स्वरूप जानना वो क्या है एग्जैक्टली उसके विषय में पूर्णतः ज्ञान सत्य ज्ञान यथार्थ ज्ञान जो पदार्थ विज्ञान की परिभाषा में अगर हम कहें उसे कि वो जैसी है वैसी उसको जानना ये परीक्षा के द्वारा होता है तो ये प्रक्रिया जो है वही तो रिसर्च है रिसर्च के द्वारा हम करते क्या है किसी भी जो है फिनोमिना जो है किसी भी इवेंट है वो क्यों है कैसी है क्या है वही उसका स्वरूप है उस स्वरूप को जानते हैं तो रिसर्च जो है वो एक दृष्टि से अलग अलग प्रकार की परीक्षा है और इसीलिए शास्त्र ने एक लिखा चार परीक्षा करते वक्त चरक संहिता ने किया कि द्विविधम एव खलु सर्वम सच्चा सच्च तस्य चतुर्विधा परीक्षा सत या असत दस दो ही प्रकार की चीजें हो सकती है और चार ही उसकी परीक्षाएं हो सकती है माने कोई भी दुनिया भर की कोई भी रिसर्च मेथडोलॉजी है कोई भी रिसर्च जो है इन चार से बाहर नहीं जा सकता आइदर इट इज आप्तोपदेश और इट इज प्रत्यक्ष और इट इज अनुमान और इट इज युक्ति
क्योंकि ये शास्त्र कहता है, इसके बाद का श्लोक यह है, एषा परीक्षा नास्ति अन्या यया सर्वं परीक्षते। नास्ति अन्या, यही चार है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो जो भी कुछ अनुसंधान आज भी हम करते हैं, जो भी रिसर्च हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चार में फिट होता है। और चार में भी महत्वपूर्ण जो है वो अनुमान है, जिसके विषय में हम अच्छी तरह से देखने वाले हैं। और इसीलिए ये कहा कि परीक्षकारिणो ही कुशला भवंती, जो रिसर्चर्स हैं वही कुशल। कुशल का अर्थ बहुत ही अच्छी तरह से सर ने बताया कि एक्सपर्टीज जो आपकी, और एक्सपर्टीज का वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था कुशलाना। वैसे भगवद गीता की दृष्टि से कुशल का अर्थ कुछ और है, योग कर्मसु कौशल्यम वाली बात जो है वहां कुशल ये नहीं है, बट उसकी चर्चा फिर नहीं करते। रिसर्चर या परीक्षक कैसा होना चाहिए यह भी शास्त्र कहता है। चरक संहिता सूत्र स्थान 28 में ये लिखा है, श्रुतम बुद्धि स्मृतिर दाक्ष्यम धृतिर हित निषेवणम वाग विशुद्धि ही शमो धैर्यम आश्रयंती परीक्षकम। परीक्षक में ये गुण होने चाहिए, माने रिसर्चर्स जो है उसमें श्रुतम बुद्धि ही, जो सुनने के बाद तुरंत निर्णय ले पाए। सर ने अभी जो कहा कि सर्वे स्टडी में वो जो भी जवाब देता है या पेशेंट जो भी कहता है, बुद्धि ही शब्द जहां जहां आया है वहां बुद्धि का कार्य शास्त्र कहता है व्यवसायत्मिका बुद्धि ही, माने वो निर्णय लेना, एक स्पष्ट निर्णय पे पहुंचना, यही बुद्धि का काम है। तो श्रुतम बुद्धि ही, स्मृति मेमोरी, चपलता ध्रुति। अब यहाँ पे ध्रुति और धैर्य दोनों शब्द आए हैं, ऊपर के उसमें है ध्रुति, नीचे है धैर्य, और बहुत बार हम जो है इन दोनों को पर्याय के रूप में उपयोग में लाते हैं, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। ध्रुतिस्तु नियमात्मिका, ये लिखा है कि वो मन को अपने कंट्रोल में रखना, नियमन करना। अनिल जी भी जानते हैं और जितने लोग बहुत अरसे से रिसर्च में, वो जानते हैं कि रिसर्च में बहुत प्रलोभन आते हैं, है ना। डेटा मैनिपुलेशन करने का आपको बहुत मन होता है कि मैनिपुलेट करो, अच्छे रिजल्ट बना दो, अच्छी जगह पब्लिश हो जाएगा, अच्छा अवार्ड मिल जाएगा। उस वक्त नियमात्मिका ध्रुति ही, अपने मन को नियम में रख करके, जो मैंने पहले दिन कहा था, कल पहले प्रेजेंटेशन में, कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक में कि इट शुड बी एम्पिरिकल, इट शुड बी कंट्रोल्ड, इट शुड बी रिग्रस, ये सब बातें जो है वो ध्रुति में आ जाती है कि वो अपने आप को नियमन में रखे हैं। हित निषेवणम, हितकर्ता, वाग विशुद्धि ही, इट शुड बी अ गुड स्पीकर, बहुत अच्छा और विशुद्ध बोलने वाला होना चाहिए। शमो, शांत होना चाहिए। धैर्यम, धैर्य का अर्थ यहाँ है पेशेंस, क्योंकि रिसर्च लंबी चलती है, वो प्रोसेस जो है वो आपको बहुत ही पेशेंटली इनको डील करना है, तभी जा करके आप सही तरह से कर सकते हैं। तो ये रिसर्चर्स के गुण या जो परीक्षक के गुण जो है वो भी शास्त्रकार ने दिए हैं। एंड नाउ वी कम टू अनुमान, बिकॉज इट इज क्लोजली रिलेटेड विथ रिसर्च मेथडोलॉजी। आगे आगे हम उसको देखते जाएंगे। रिसर्च में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस क्या होती है, कल सर ने बताया था, इट्स अ एजुकेटेड गेस, माने ये पढ़ा लिखा अनुमान, ऐसा सीधा शब्दशः अगर उसका ट्रांसलेट करें, है ना, कि ये पढ़ा लिखा अनुमान होता है। बट व्हाट इट मींस, अनुमानम खलु तर्को युक्त्यपेक्षा, युक्ति की अपेक्षा रखता हुआ लॉजिकल जो आपका अनुमान है, लॉजिकल जो गेस है, वही हाइपोथेसिस है। सो द सेम थिंग हैज सेड इन द चरक संहिता विमांसान इन द डेफिनेशन ऑफ अनुमान, दैट अनुमानम खलु तर्को युक्त्यपेक्षा, एक लॉजिक के द्वारा आप कुछ अनुमान करते हैं कि ये ऐसे गुण वाला है तो इसका परिणाम ऐसा होना चाहिए, है ना। और उसके लिए फिर पूरी प्रक्रिया होती है। वस्तु यद परोक्षम तद अनुप्रत्यक्षात यद मियते ज्ञायते तद अनुमानम, यह वस्तु यद परोक्षम, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो हमें दिखता नहीं है, उसको जो दिखता है उसके आधार पर एक्सप्लेन करना, उसके आधार पे समझना, उसके आधार पे उसका ज्ञान करना, दैट इज अनुमान। अगेन इन कंटेक्स्ट टू रिसर्च ये सीधा फिट बैठता है,
कि जो आपको पता नहीं है, जो परोक्ष है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, उनको आप प्रत्यक्ष के आधार पे जो आपको दिखता है, जो डेटा आपको मिलता है, उन डेटा को इंटरप्रेट करके आप एक एजम्पशन पे पहुंचते हैं. सो दैट इज द रिसर्च. तो इट इज द सेम. और वही जो है गंगाधर राय वाली जो व्याख्या है, उसी को छोटे शब्दों में कारिकावली ने बताया है, साधनात् साध्य विज्ञानम, कि जो साधन या हेतु के द्वारा जो हमें सिद्ध करना है उसको जानना, दैट इज अनुमान. ये कुछ शब्द जो अनुमान प्रमाण में आते हैं उसको रिसर्च के कंटेक्स्ट में समझ लें. अरे सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन शब्द है, साध्य. अनुमान के संदर्भ में साध्य होता है जिसको हमें सिद्ध करना है. रिसर्च में भी वही है कि जिसे आप प्रूव करना चाहते हो. द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी प्रूव्ड इज अवर साध्य. हेतु जिसके आधार पे या जिसको आधार बना करके हम साध्य की सिद्धि करते हैं. सो विथ वुज नॉलेज दैट इज डेटा. डेटा हमारे पास होता है और उस डेटा को आधार बना करके, डेटा के आधार पर ही हम आगे जो है हमारा ऑब्जेक्ट प्रूव करते हैं. तो दैट विल बी द हेतु. एंड व्याप्ति इज इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन हेतु एंड साध्य. आपका डेटा और आपका जो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है, अगर वो है तो ही आप प्रूव कर पाओगे. इफ योर डेटा इज नॉट रिलेटेड विथ वॉट एवर द ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू प्रूव, अब इनके बीच में अगर कोई लिंक नहीं बैठ रही है तो ये आप प्रूव नहीं कर पाओगे. तो व्याप्ति संबंध माने इन दोनों के बीच का एक जो है संबंध, अविनाभाव संबंध, जिसके लिए पदार्थ विज्ञान ने शब्द दिया है वो. नाउ कमिंग टू द एंशिएंट मेथड, है ना, शुरू होता है रिसर्च. कल भी मैंने कहा था कि जब आप, जैसे अभी अभी अनिल जी ने कहा, किसी को कोई प्रश्न नहीं उठता. अगर आपको प्रश्न नहीं उठता तो रिसर्च का प्रारंभ ही नहीं होता, समझ लीजिए. अगर आपको किसी बात पे संशय है तो ही रिसर्च प्रारंभ होता है. कल भी मैंने कहा था कि अगर हम सब कुछ जो है बिल्कुल सही है, जो है बिल्कुल सत्य है, मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं करूँगा, ऐसी अगर हमारी मेंटेलिटी है कि हमारे यहाँ जो भी कुछ है सत्य है, बस इसी को मान करके चला करो, तो रिसर्च की कोई गुंजाइश ही नहीं. अगर संशय है तो रिसर्च शुरू होता है. और संशय हमारे मन में नहीं, प्राचीन काल से संशय हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे ऐसा नहीं है. चरक संहिता में कम से कम 3-4 चैप्टर में तो क्लियर कट आपको संशय दिखता है. सुबह मेरे उसमें मैंने आपको कोट किया था कि चरक संहिता शारीरस्थान का प्रथम अध्याय आप देख लीजिए कितने सवाल है. गुरु जी ने उसी को स्लाइड पे बताया आपको कि शारीरस्थान एक में जो है वो अग्निवेश के संशय है सभी, कि ये कैसे होता है. कतिदा पुरुषों के बाद में कि आत्मा साक्षा है, दृष्टि है, कर्म है, वो कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, है ना. तो वहाँ उनके इतने संशय है. सबसे बड़ा संशय जो है ये 10वें अध्याय में मैत्रेय का है, जो कहता है कि भेषजम अभेषजम, भेषज और अभेषज दोनों बिल्कुल सेम है, क्या फर्क पड़ता है, दवा करो तो भी मर जाते हैं, ना करो तो भी मर जाते हैं, करो तो भी जीता रहते हैं, नहीं करो तो भी जीते रहते हैं, करने ना करने से फर्क क्या पड़ता है, संशय है. फिर 11 में त्रिश्रेष्ठी अध्याय में जब तीसरी ऐषणा के बारे में, परलोक ऐषणा के बारे में बात आती है, वहाँ भी संशय की बात आती है कि यहाँ भी संशय है. तो संशय जो है वो शास्त्रकारों ने संशय को महत्व दिया है. अगर संशय को महत्व नहीं दिया होता तो विमान स्थान में वादमार क्वदानी में संशय का नाम लिखते ही क्यों. तो संशय कब होता है, वहां उन्होंने लिखा है अनुसंदिग्ध अर्थेषु अनिश्चय. चक्रपाणि ने अनिश्चय के लिए लिखा कि पाक्षिक विरुद्ध धर्मावर्म शंकर, जहां आपको दोनों पक्ष के लिए कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स मिलती है, ऐसा है हाँ है, ऐसा है हाँ वो भी है ना, तब संशय पैदा होता है कि अब सही क्या है, ये भी सही है ये भी सही है, तो वास्तव में इन दोनों में से क्या सही है, इनके लिए भी प्रमाण है इनके लिए भी प्रमाण है. तो ऐसे जब एक ही चीज में परस्पर विरुद्ध धर्म जो है वो समान बल वाले आपको जब मिलते हैं तब संशय उत्पन्न होता है. अगर समान बल नहीं है तो संशय नहीं, यह भी समझ लीजिए.
है ना, व्यपदेशस्तु भूयसा, ये एक न्याय है जो शास्त्रकारों ने बताया है कि जो भूयसा, जो बलवान है वो अल्प बल वालों को दबा देता है हमेशा। तो व्यपदेशस्तु भूयसा न्याय से अगर आपके पास एक बलवान आर्ग्यूमेंट है, एक निर्बल आर्ग्यूमेंट है, तो बलवान आर्ग्यूमेंट जो है वो उसको दबा देगा और संशय उत्पन्न नहीं होगा। किंतु जहां पे समान बल वाले परस्पर विरुद्ध धर्म आपके दिमाग में आते हैं तब संशय उत्पन्न होता है। जब संशय उत्पन्न होता है तो पूरी प्रक्रिया प्रारंभ होती है ज्ञानोपार्जन की, उसको जानने की कि इसमें सत्य क्या है, दोनों पक्ष बराबर है तो इसमें सत्य क्या है। और उसके लिए जो प्रक्रिया हमारे शास्त्र ने वर्णित की है वो है पंचावयव वाक्य की स्थापना और प्रतिस्थापना की, और ये पूरी एंशियंट रिसर्च मेथोडोलॉजी है। एक पक्ष या आप ही खुद दोनों पक्ष बन जाते हैं जब संशय आपके मन में है कि भाई सुदर्शन काम करता है ज्वर में, सुदर्शन काम नहीं करता है ज्वर में। 10 लोगों में मैंने देखा कि सुदर्शन से बहुत अच्छा काम हुआ, दूसरे 10 में देखा कि सुदर्शन से फ्यूर गया ही नहीं, तो संशय हुआ कि सुदर्शन काम करता है कि नहीं करता है। यहां से आपका रिसर्च प्रारंभ होगा और पहले आप स्थापना करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि सुदर्शन ज्वर में काम करता है। प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, जो आपको सिद्ध करना है वो आप कहते हैं, फिर उसको आप सिद्ध करते हैं। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। स्थापना की व्याख्या करते हुए ये चरक संहिता में कहा कि स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञाया हेतु दृष्टांत उपनय निगमनय ही स्थापना। ये क्या है? प्राचीन काल में पंचावय वाक्य में आप लोग पदार्थ विज्ञान में पढ़े थे, अब भूल गए होंगे, उसको मैं याद नहीं करवाऊंगा। रिसर्च का लेक्चर लेने आया हूं ना, पदार्थ का थोड़ी लेने आया हूं, है ना, तो इसलिए पदार्थ नहीं बोलूंगा, रिसर्च ही बोलूंगा। बट संहिता सिद्धांत के डिपार्टमेंट के हैं तो थोड़ी थोड़ा पदार्थ तो आ ही जाएगा अंदर, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो प्रतिज्ञा जो है वो आपका रिसर्च प्रॉब्लम और प्रपोजल और हाइपोथेसिस है कि हाँ ये ऐसा है, सुदर्शन से ज्वर दूर होता है, ये जो है वो आपके हाइपोथेसिस है। हेतु, वादमार्ग पदानी में लिखा उन्होंने, हेतुर नाम उपलब्धि कारणम तत्प्रत्यक्षम अनुमानम ऐतियम औपम्यम इति। पर उसके बाद का जो सेंटेंस है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखने लायक, एभिर हेतु भी यद उपलब्ध्यते तत् तत्वम, तत्वम तत्वज्ञान, निश्चयार्थ ज्ञान जो है वो आपको किससे उपलब्ध होता है? हेतु के द्वारा। और हेतु क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान ऐतियम औपम्यम, ये आगे आगे हमने कहा कि ये ज्ञान के साधन है, प्रमाण है, ये परीक्षाएं भी हैं। तो आपने जो हाइपोथेसिस बनाई उसको प्रत्यक्ष के द्वारा आप देख करके देखिए, दीजिए पेशेंट को, लार्ज स्केल में दीजिए, ऑब्जर्व करिए, प्रत्यक्ष करिए कि सुदर्शन ने कितना काम किया, किस प्रकार के ज्वर में काम किया, किस प्रकार के ज्वर में काम नहीं किया, कितनी डोज में, कितनी बार, कैसे लिया तो काम किया, कैसे लिया तो नहीं किया, ये प्रत्यक्ष करिए। फिर जिनमें काम किया उसमें क्यों किया और जिनमें काम नहीं किया उसमें क्यों किया, उसका डेटा के आधार पर देखिए आप कि जिन जिन पेशेंट में मंदाग्नि था, जिन जिन पेशेंट में आहार विहार की अनियमितता थी, उन्होंने सुदर्शन ने काम नहीं किया, जिन्होंने पथ्य पालन नहीं किया उन्होंने काम नहीं किया, तो वो अनुमान की भूमिका आई गई उसमें। ऐतिह्य का चक्रपाणी जी ने यह कहा है, आप तो उपदेश वेदादि ही, माने जो पारलौकिक आप्त है, इहलौकिक आप्त और पारलौकिक आप्त थे, दो आप्त बनाए उन्होंने, तो वेदादि माने जो इसके लिए प्रमाणभूत शास्त्र है। अब सुदर्शन और ज्वर की बात आपको वेद में तो मिलनी नहीं है, बट वेद शब्द से प्रमाणभूत, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जो अपौरुषेय है, जो उससे समझिए आप, तो ऐसे शास्त्र में क्या कहा है वो देखिए। तो इन सब हेतुओं के द्वारा आप अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध कर सकते। सो ऑल द काइंड ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस, डाटा कलेक्शन, एवरीथिंग सपोर्टिव एविडेंस, मीन्स एंड मेथड्स,
जो भी कुछ है वो सब आपका हेतु है जिसके द्वारा आप साध्य की सिद्धि करने जा रहे हैं। देन कम्स दृष्टांत, है ना। दृष्टांत के लिए कहा है मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्य विषयम, जो सबको समझ में आए ऐसे। सो द इलस्ट्रेशंस टू सपोर्ट द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट यू कैन हैव द स्टैंडर्ड कंट्रोल या ऐसी कोई चीज कि जैसे इसके द्वारा ये काम हुआ वैसे ही सुदर्शन के द्वारा ज्वर दूर होता है, राइट। सो यू हैव टू गिव अस सम कंट्रोल ओवर देयर। उपनय कंपैरिजन, है ना, यहां यथा महानसे, जैसे इसके द्वारा। और निगमन इज द कंक्लूडेंट कंक्लूजन और द वैलिडेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि आइदर लास्ट में प्रतिज्ञा का पुनः आप कहते हैं कि नहीं तो ऐसा है ही। सो दिस इज द एंटायर एंशियंट रिसर्च मेथड्स। अब क्या होता है, इन पंचावयव वाक्य से जो भी कुछ आपने प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि से सिद्ध कर दिया, अगर वो सिद्ध हो गया देन इट लीड्स टू व्यवसाय और निर्णय। ये भी भागवत में आएगा, व्यवसाय नाम निश्चय हो, या तो निर्णय नाम विचारितस्य अर्थस्य व्यवस्थापनम। जो भी कोई अर्थ, जो भी विषय हम विचार कर रहे हैं उनका व्यवस्थापन, उनका ठीक ठीक एक निष्कर्ष पर पहुंचना, निश्चय पर पहुंचना, उसी का नाम निर्णय है, उसी का नाम व्यवसाय है। सो हम जो भी कुछ हमने प्रतिज्ञा ली उसके बाद हेतु दृष्टांत उपनय के द्वारा हम निश्चय पर पहुंचे, वो निश्चय पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सी, है ना, ऐसा नहीं है कि हर बार वो पॉजिटिव ही होगा। देर आर चांसेस कि, और ये एक बात और समझ लीजिए, अनिल जी 3 दिन के टॉक में वो सब्जेक्ट आया नहीं इसलिए, बट कल और इसको शायद मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सप्लेन करेंगे। नेगेटिव रिजल्ट्स जो है वो शर्माने की बात नहीं है, याद रखिए। नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, ऑल्सो रिजल्ट्स, वी आर बाउंड टू गिव द ऑनेस्ट रिजल्ट्स, वी आर नॉट बाउंड टू गिव द पॉजिटिव रिजल्ट्स। सी, और नेगेटिव रिजल्ट्स जो है वो भविष्य के फ्यूचर रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एनर्जी, मनी, टाइम बचा लेते हैं कि हाँ ये तो हो चुका है, इसमें नहीं होता है। सो डोंट अफ्रेड विद द नेगेटिव रिजल्ट्स। सो वट एवर द निश्चय और निर्णय विल कम, आइदर इट विल बी पॉजिटिव, जो कि आपकी प्रतिज्ञा हाइपोथेसिस है उसको कंफर्म करेगा, और मे बी नेगेटिव। इफ इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव जो फाइंडिंग्स है तो वो रिजल्ट जो है दैट शुड बी द रिप्रोड्यूसिबल बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। गुरुजी ने सुबह इसके विषय में बताया, परीक्षक ही बहुभिः परीक्षः, मैंने अकेला किया ऐसा नहीं, ये अनेक वैज्ञानिक उसी प्रकार से उसको करेंगे, और सब में अगर रिजल्ट सेम आया, सिमिलर आया, देन दैट विल कन्वर्ट टू द सिद्धांत। तो परीक्षक ही बहुविधम परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। हेतुभिश्च माने हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन, हेतु भी, हेतु इत्यादि के द्वारा, इनके द्वारा माने इन चार के द्वारा जिसका उपयोग मैंने किया है वही अन्य परीक्षक करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे और रिजल्ट सेम आएंगे, देन दैट विल कन्वर्ट टू द सिद्धांत और द थ्योरी। ओके, बट वॉट हैपेंड इफ रिजल्ट्स आर नेगेटिव, शास्त्र ने उसका भी बात किया कि अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है ना, अल्टरनेटिव रिजेक्ट होती है, एंड दैट इज प्रतिज्ञा हानि।
वो कहते हैं उसे शास्त्र की भाषा में कहते प्रतिज्ञाहानि। प्रतिज्ञाहानि बताया उन्होंने, उस जमाने में होता था ऐसा, तो उन्होंने बताया पूर्व गृहीतां प्रतिज्ञां परित्यजति। पहले जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है वो नहीं चलेगा, वो गलत है, उसको मैं छोड़ देता हूं। दिस इज ऑनेस्टी ऑफ द रिसर्च कि नहीं, पहले मतलब केवल यहां है नहीं, इसके लिए अब आगे एक और स्टेप है, मैं बताता हूं आपको, बट ऑनेस्टी कि हां ये हाइपोथेसिस गलत है। हाइपोथेसिस क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपके हेतुओं में या तो कुछ गड़बड़ थी, है ना। दिस इज नॉन एज उपालंबा, उपालंबो नाम हेतु और दोष वचनम। आपने जो मेथड यूज किया वो आपके हाइपोथेसिस के लिए एप्रोप्रिएट नहीं था। सो यू हैव टू चेंज, यू हैव टू डबल चेक फर्स्ट योर हेतु कि कहीं आपने जिसे हेतु माना है वो हेतुआभास तो नहीं है, है ना। हेतुवत आभासते इति हेतुआभास, आप मान के चलते हैं कि ये हेतु है बट बेसिकली वो अहेतु हो सकते हैं, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा उसका दोष क्या है। उपालंबो नाम हेतु और दोष वचनम, हेतु के अंदर दोष, उसकी क्या फॉल्टी, आपके मेथड्स में क्या फॉल्ट था, उसको ढूंढना पड़ेगा। और परिहार, परिहारो नाम तस्सेव दोष वचनस्य परिहरणम, उसका परिहार करो, उसको निकालो, चेंज करो मेथड एंड गो फॉर द सेकेंड ट्राय फॉर द रिसर्च, देन अगेन यू विल रीच और यू हैव टू पास टू ऑल दो स्टेप्स। अब नई मेथडोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ करके चलते हैं। सो दिस वॉज समथिंग द एंशियंट रिसर्च मेथडोलॉजी। एंड सी द सिक्वेंस ऑफ द प्रमा, रिसर्च मेथडोलॉजी की कंटेक्स्ट में अगर आप देखिए कि हमारे यहां प्रमाणों की जो एक सिक्वेंस दी गई, उन्होंने पहले आप्तोपदेश दिया, प्रत्यक्ष पहले नहीं क्या, तर्कशास्त्र या दार्शनिक लोग जो है वो प्रत्यक्ष को प्रधान प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्षम ही प्रत्यक्ष की प्रामाण्यम ऐसा कहते कि अगर प्रत्यक्ष है तो और प्रमाणों की जरूरत ही क्या है। सभी दर्शनों ने प्रत्यक्ष को पहले माना, प्रत्यक्ष अनुमान करके बाद में शब्द या उपमान के बाद में शब्द तक गए। आयुर्वेद ने आप्तोपदेश को या शब्द को पहले ले लिया है कि आप्तोपदेश पहले, और वहां पे लिखा विमान स्थान में कि अगर आप तो उपदेश से जानोगे नहीं तो प्रत्यक्ष से देखोगे क्या, अगर आपको पता ही नहीं है कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, आपके गुरुजी ने आपको बताया नहीं, आपने सुना नहीं, गुरुजी तो हमेशा बताते हैं पर हम जो है मोबाइल में पड़े रहते हैं कभी कभी तो हो जाता है ऐसा। नहीं अभी भी मेरी दृष्टि तो है किन किन लोगों के हाथ में मोबाइल था, क्या हो चल रहा था वो, तो वो तो कल मैं होमवर्क देखूंगा तब पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो जब तक आपको नॉर्मल वैल्यूज वगैरह जो भी कुछ है या वो सब कुछ आपको आप्तोपदेश से चलता है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, जो लोग पहले काम कर चुके हैं, जो साइंटिस्ट पहले काम कर चुके हैं। आप्त की डेफिनेशन क्या दी शास्त्र ने, बेसिक वाले बोल पाएंगे ना, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन ये येषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, राइट। सो दिस इज द आइडियल डेफिनेशन ऑफ अ रिसर्च साइंटिस्ट, है ना। रज और तम गुण से मुक्त, मोह और द्वेष से विरहित, जिनको क्या हो चुका है, क्या करना है, क्या आगे होगा, त्रिकाल का अमलम स्पष्ट क्लियर ज्ञान, इसका विजन क्लियर हो, पहले क्या हुआ है वो पता है, मैं क्या कर रहा हूं वो पता है, फ्यूचर क्या है वो पता है, राइट। तो ऐसे लोगों ने जो काम किए हैं उनको आप पहले देखते हो, दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आप तो उपदेश, देन योर स्टडी ऑब्जर्वेशंस आप खुद करते हो, उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे जो भी कुछ आपको डेटा मिलता है उसका एनालिसिस जो होता है दैट इज अनुमान, और उसके लिए जो लॉजिकल रीजनिंग उस फाइंडिंग को आप बनाते हो दैट इज युक्ति। सो द फाइनल रिजल्ट विल बी
तत्व ज्ञान जो मैंने कहा, ए भी हेतु भी यत प्राप्यते तत् तत्वम, तत्व को प्राप्त करना, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति का परम लक्ष्य रहा है कि हमें तत्व को प्राप्त करना है। तत्व माने किसी भी विषय का यथार्थ ज्ञान, वो जैसा है वैसा उस स्वरूप का ज्ञान। नाउ दिस इज सेड इन द चरक संहिता सूत्र स्थान 30 और सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 1 दश प्रकरणानि। चरक संहिता ने यह लिखा कि मैंने पूरी संहिता में इन 10 चीजों का वर्णन किया है, तो है ना, तानि च प्रकरणानि केवलेन उपदेक्षन्ते तंत्रेण, तंत्र में इनका वर्णन पूर्णतः किया गया है। कौन से 10? शरीर, वृत्ति, हेतु, व्याधि, कर्म, कार्य, काल, कर्ता, करण, विधि, ये 10 है। तो ये 10 हमारे आयुर्वेद के रिसर्च फील्ड्स है, यही तो है कि जिसके ऊपर हमें रिसर्च करने। सुश्रुत ने उसको कंपैक्ट करके 4 में बांट दिया कि पुरुष, व्याधि, औषध, क्रियाकाल है। तो यही हमारे फील्ड है। देखिए आप एक एक की व्याख्या 10 की देख लीजिए आप। शरीर पंच महाभूत विकार समुदाय आत्मकम, शरीर हमारा सबसे पहला रिसर्च का फील्ड होना चाहिए। आयुर्वेदीय शरीर के ऊपर कोई रिसर्च आज तक हुई नहीं, ये मैं बहुत ही इस मंच से कंट्रावर्शियल स्टेटमेंट कर रहा हूं। सभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले हो सकते हैं मुरे पर हो जाए, बट जितनी भी रिसर्च हुई हमने केवल उसको आधुनिक शरीर के साथ कंपेयर करने का प्रयास किया। हमारी अपनी शरीर की जो मौलिकताएं हैं उनको हमने कभी उजागर करने का प्रयास नहीं किया है। सो द शरीर एंड शरीर जो है वो हमारा सबसे पहला रिसर्च फील्ड होना चाहिए। वृत्ति माने आहार, चरक ने लिखा, चक्रवाणी ने लिखा है, बहुत काम हो रहा है अभी आहार के ऊपर, पहले भी हो रहा था बट अभी जो है हम थोड़े से जागरूक हुए हैं और हमारी जो विशेषताएं हैं आहार संबंधित उसके ऊपर, पर्टिकुलरली स्वस्थ वृत्त और मौलिक सिद्धांत डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हेतु, व्याधि हेतु, अगेन यहां पर भी हम लोग लेक चल रहे हैं, लेकिंग में है। रोग विज्ञान, विकृति विज्ञान का ये बहुत क्या कहते हैं, स्काई इज द लिमिट जैसा फील्ड है कि इतने इतने निदान दे रखे हैं, इतनी इतनी चीजें दे रखी है व्याधि के हेतु के संदर्भ में। उसके ऊपर जो आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं मेरा एक काम कोट यहां करना चाहूंगा। एनिमल एक्सपेरिमेंट की बात 2 दिन से चल रही है, गिनी पिग के ऊपर या रेट्स के ऊपर, माइस के ऊपर काम होते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होते हैं। बहुत अरसे पहले माने मेरे अंडर में शायद ये पहली या दूसरी PhD रजिस्टर हुई थी, तो उस वक्त हमने सोचा कि भाई ये एनिमल एक्सपेरिमेंट्स जब होते हैं तो उसमें रोग किसी एक केमिकल के द्वारा पैदा किए जाते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं। मान लीजिए कि मुझे डायबिटीज पे, प्रमेह पे कोई एक वसंत कुसुमा का रस से लेकर के निशामल की तक की कोई भी एक मेडिसिन मुझे एक्सपेरिमेंटली ट्राई करनी है, तो चूहों में डायबिटीज पैदा की जाती है ना, इंड्यूस्ड होती है। इसी प्रकार से डिफरेंट जो डिजीजेज है वो इंड्यूस्ड होते हैं और फिर हम ट्रायल लेते हैं। सो वी थॉट कि यार आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से ये तो आगंतुज व्याधि हुई, ये विष वायु अग्नि जनिता ये आगंतुज संप्राप्ति तो बनी नहीं जो आयुर्वेद ने कही है। वो जब आप इंड्यूस व्याधि डालते हैं तो वो संप्राप्ति तो बनी नहीं जो हमारे यहां आयुर्वेद ने कही है। और हम चिकित्सा आयुर्वेद की दे रहे हैं, संप्राप्ति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, अब संप्राप्ति ही गलत बनी है तो ये कैसे होगा। शास्त्र ने इसे निज रोग बताया है प्रमेह को, और आप तो इंड्यूस कर रहे हो तो ये एनिमल एक्सपेरिमेंट कैसे सही जवाब देगा। सो बेस्ड ऑन दिस वी ट्राई टू डेवलप द एनिमल मॉडल एज पर द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। हमने पहला काम लिया रक्त व स्रोतस दुष्टि, और शास्त्र ने जो रक्त व स्रोतस दुष्टि के निदान दिए
है ना, पोषणा तीक्षणा व्यवाही वाले, तो हमने राजिका दधिमंड ऐसी ऐसी चीजें चूहों को खिलवाई कि शास्त्र ने ये चीजों को रक्त व सोतस दृष्टि के हेतु बताए हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द एनिमल्स एंड वी गॉट मेजोरिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द रक्त व सोतस दोषस ऑन दोज रेट्स। उनकी स्किन पे लाल चक्के हो गए, उनके जो है वो बाल गिर गए, इरिटेबल हो गए, गुस्से वाले हो गए, माने वट एवर द सिम्टम्स जो ऑब्जेक्टिवली हम देख सकते थे, उसके यूरिन में ब्लड आने लगा, उसके उसमें फिर बाद में जब हमने डिसेक्ट किया तो परफोरेशन भी मिलने लगे, हमें अल्सर्स भी मिले। सो रक्त व श्रोतस दृष्टि के निदान देने से हमें रक्त व श्रोतस दृष्टि के लक्षण चूहों में मिले एंड वी प्रेजेंटेड दैट कि भाई भविष्य में किसी को रक्त व श्रोतस की इसमें से किसी व्याधि को ऊपर काम करना है, एनिमल मॉडल बनाना है, तो इंड्यूस मत करिए, पहले संप्राप्ति इससे बनाइए और फिर इसके ऊपर आपकी ड्रग ट्राई करिए क्या होता है। तो ये दूसरे स्टेज वाले में हमने दूसरा काम करवाया पीएचडी में ही, उसमें हमने रस व श्रोतस को लिया, पहले रस व श्रोतस दृष्टि के निदान दिए और फिर उसकी चिकित्सा दी चूहों में, रेट्स में एक्सपेरिमेंटल। सो दिस इज हाउ वी कैन एस्टेब्लिश अवर साइंस, व्याधि हेतु जो चाहें उनको हम करवा सकते हैं, उनके मॉडल डेवलप कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हो रहा है। व्याधि धातु वैषम्य इसके ऊपर बहुत काम होता है, कर्म चिकित्सा इसके ऊपर भी होता है, आरोग्यम इसके ऊपर कम हो रहा है, बट अब धीरे धीरे जो है ये वेलनेस का कंसेप्ट आ रहा है, तो वेलनेस के कंसेप्ट में हम भी उसके साथ साथ चलेंगे। काल ऋत्वादि ही क्रियाकालश्च, एक सीसीआरएस ने मुझे अप्रोच किया था जब डॉक्टर धीमन वहां पे डीजी थे कि व्यास जी आपको एक काम देना है। मैंने कहा बोलो सर क्या दोगे, बोले सीसीआरएस का एक प्रोजेक्ट मैं सोच रहा हूं, पूरे भारत में जो है वो आयुर्वेद दृष्टिकोण से काल निर्धारण करना है, आप इसरो से और उन सब से मैप मांगी भारत के कौन से एरिया में जो है वो किस महीनों में कितनी ह्यूमिडिटी रहता है, कितना विंड स्पीड रहता है, कितना टेम्परेचर रहता है, क्या रहता है, इन सब डेटा को कलेक्ट करिए, उनको एनालाइज करिए और पूरे भारत को हम जो है वो आयुर्वेदीय दृष्टि से आदन काल और विसर्ग काल किस एरिया में कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, उस हिसाब से एक मैपिंग करना चाहते हैं। सो यू टेक दिस प्रोजेक्ट। आई सेड सॉरी, मैं पूरे भारत में नहीं, आप कहो तो मैं गुजरात के हिसाब से कर दूंगा, क्योंकि पूरे भारत में मुझे और लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा अलग 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 जगह पे, जो मेरे बस की बात नहीं है, वो सीसीआरएस के बस की बात है। सीसीआरएस कैन टेक प्रोजेक्ट एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुजरात, इवन गुजरात महाराष्ट्र आसपास के एक दो स्टेट का मैं कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मुझे मत दीजिए। पता नहीं दूसरे लोगों के साथ भी उन्होंने बात की होगी नहीं की मुझे नहीं पता है, बट वो प्रोजेक्ट चला गया, उसके बाद वो प्रोजेक्ट आया नहीं कभी फिर से, बट इट वॉज अ वंडरफुल आइडिया एक्चुअली। सो ऐसा बेशक हम लोग खुद है करने वाले, भेषजम करणम, कितनी अच्छी भेषज परीक्षा विमान स्थान में बताई उन्होंने, इदमेव गुणम इदमेव करके पूरा जो भेषज परीक्षा का लंबा सा एक श्लोक दिया है उसके आधार पे हम कर दें, और उपकल्पना जितनी भी उपकल्पना है विधि है। सो दिस मे बी द फील्ड्स ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद एंड दिस मे बी द आउटकम्स, है ना। पहले दो जो है वो तो सबको पता है कि ये जो है वो स्वास्थ्य रक्षण या विकार प्रशमनम, और उसका परिणाम हितायु सुखायु दीर्घायु, ये तो आउटकम पता है, बट द प्रेजेंट डे रिसर्च मेथोडोलॉजी और प्रेजेंट डे वेस्टर्न रिसर्च मिसिंग थर्ड वन, दैट इज सत्याबुद्धि। हमारा शास्त्र ये कहता है कि सत्याबुद्धि की उत्पत्ति होना, शारिस्तान के पांचवें अध्याय में इसका वर्णन लिखा है उन्होंने, सत्याबुद्धि क्या है। सत्याबुद्धि के संदर्भ में बहुत लंबा तो मैं नहीं कहता हूं, किंतु आप देखिए इन्होंने ये लिखा, इनको हम जो है ना बड़े कन्वेंशनल मीनिंग्स में लेते हैं रिसर्च के एस्पेक्ट से या
उस दृष्टिकोण से हम नहीं देखते इसको। या शुद्धा सत्या बुद्धि प्रवर्तते यया भिन्नति अति बलम महामोह मयम तमह। ये लिखा कि सत्या बुद्धि क्या करती है कि जिसके द्वारा अति बलवान महामोहमय तम जो है उसका भेदन हो जाता है। चक्रपाणी ने लिखा है महामोह अनादि मिथ्या ज्ञानम, जो आपके मिसकंसेप्ट्स हैं, मिथ्या ज्ञान है, वो दूर हो जाते हैं। रिसर्च से ही तो होते हैं, जब आप किसी चीज को रिसर्च करते हैं वहां तक पहुंचते हैं तभी तो होता है। उसी प्रकार उन्होंने ये कहा सर्वभाव स्वभावज्ञो, सत्या बुद्धि वाला जो है वो सभी भाव जो है उनके स्वभाव का ज्ञाता हो जाता है। जितने भी फैक्टर्स हैं उनका एक्चुअल फॉर्म क्या है वो सत्या बुद्धि से पता चलता है। आगे बहुत सारी चीजें आप सारिस्थान 5 में देख लीजिए, उन्होंने सांख्यिकी की बात कही है, योग की भी बात कही है, उन सबको आप इस नजरिए से देखने का प्रयास करिए। सो द रिसर्च शुड इनकरेज और रिसर्च शुड इंक्रीज सच टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग सत्या बुद्धि। एंड वन मोर थिंग जो बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, इसलिए मैंने स्लाइड में नहीं रखा, बोल देता हूं, दैट इज मोक्ष। मोक्ष की बात हमारे यहां आती है तो बच्चे ये कहते हैं क्या है यार मोक्ष की बात आ रही है, मोक्ष मोक्ष तो ठीक है, जब अध्यात्म की बातें हैं, है अध्यात्म की बात 100% है, पर हमारी भी बात है। आयुर्वेद के प्रयोजन में हम धातु साम्य क्रिया कहते हैं, और धातु साम्य क्रिया से क्या होता है, क्यों धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, वहां उन्होंने कहा ना कि धातु साम्य का अल्टीमेट एम क्या है, क्योंकि आप धर्म का पालन कर सके, आप अर्थोपार्जन कर सके, आप काम की प्राप्ति कर सके और आप मोक्ष तक पहुंच सके। सो व्हाट एक्चुअली मोक्ष इज, मर जाए क्या आयुर्वेद को, आयुर्वेद की दवाएं लेकर के धातु साम्य करके मर जाओ, यह है मोक्ष की व्याख्या? बेसिक वाले कोई बताई नहीं शारिस्थान में। अच्छा दूसरी एक बात कह दूं, कल जो एक मेरा लास्ट वाला लेक्चर है कल के सेशन में, विच इज नॉट रिलेटेड टू द रिसर्च, संहिता के संदर्भ में है, तो जितने भी लोगों के पास चक्रपाणी टीका वाली चरक संहिता है वो लेकर के आइएगा, अदरवाइज कोई भी एक चरक संहिता अगर आपके पास हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कल के लेक्चर के लिए। चरक संहिता हाथ में रहेगी, हम उसमें साथ साथ में देखते जाएंगे, दैट विल बी दी देन यू एंजॉय द थिंग्स कि क्या है, है ना? जैसे आज मैं कह रहा हूं कि मोक्ष की व्याख्या, तो मैं कह सकता था कि भी चरक संहिता का यार क्या देख करके यहां देखो क्या लिखा है, तो आप तुरंत उसको देख सकते थे। क्या लिखा मोक्ष के संदर्भ में? रजस तमो अभावात, ऐसा लिखा है ना, जहां रज और तम दूर हो जाते हैं, और मोक्ष सर्ववेदना नाम, मुझे भी याद नहीं आ रहा, ये शारंगधर सही करके गए हैं, 40 के बाद मेधा चली जाती है, याद नहीं रहता कुछ, वो गुरुजी जैसे लोग हैं जो 78 में भी पूरे श्लोक याद रखते हैं। निवृत्ति निशेष, ये शब्द दिए वेदनाओं की निशेष निवृत्ति, रज और तम का अभाव। तो ये मुझे बताइए कि ये किसी जगह का स्थान का वर्णन है या किसी अवस्था का वर्णन है? मोक्ष कोई स्थान विशेष नहीं है, मोक्ष एक अवस्था विशेष, जहां आप रजस और तमस से दूर रहते हैं, जहां आपकी सभी प्रकार की वेदनाएं जो है वो निशेष दूर हो जाती है, माने पूर्णतया दूर हो जाती है, जिंदगी की वो अवस्था अपने आप में मोक्ष है। और इसीलिए आयुर्वेद जो है ये महान विज्ञान इसलिए है कि ये आपको जीते जी उस अवस्था में ले जाता है,
है ना। मृत्यु के बाद मोक्ष की बात तो सब कहते, पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है, वेदना दूर होती है नहीं होती है, रजस तमस दूर होते हैं नहीं होते है, कौन जानता है। मृत्यु के बाद किसने कहा, किसी ने आकर मुझे तो आज तक बताया नहीं कि हाँ मेरी मोक्ष होगी, मेरी वेदनाएं दूर होगी। हम भी किसी को बताने के लिए आने वाले नहीं है, बट आयुर्वेद के अध्ययन से, आयुर्वेद के परिपालन से ये जीवन मोक्ष होता है। तो ये भी हमारी सभी रिसर्च जो है, क्योंकि अल्टीमेटली हम रिसर्च क्यों करते हैं, अल्टीमेटली व्हाट इज द गोल ऑफ रिसर्च, टू रिड्यूस द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। जो भी कुछ मानव जात की सफरिंग्स हैं, वेदनाएं हैं, उनको हमें कम करना है ना। उनको कम करने के लिए कौन सी चीज ज्यादा उपयुक्त हो सकती है, टू सर्च दैट इज अ रिसर्च। तो वही बात वहां पर भी आके खड़ी रहती है। थैंक यू, थैंक यू ऑल। बहुत ही शानदार उद्बोधन। शास्त्रीय संदर्भों को रिसर्च बेस पे कैसे समझना है, ये सर ने, मैं जहां तक समझता हूं, पहली बार ही समझ पाए हैं कि किसको किस परिप्रेक्ष्य में समझना है। क्योंकि अनिल सर ने मॉडर्न बेस सारा बताया, उसको कैसे कोरिलेट किया सर ने, हेतु को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लें, व्याधि हेतु में क्या लें, किस प्रकार से रेड्स पे या जिस पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है वो आगंतुक व्याधि के रूप में देखें या कैसे संप्राप्ति विघटन होगा, ये सारा डिटेल बताया सर ने। और आगे जो परिकल्पनाएं करनी है वो कैसे करनी है, सारा डिटेल बताया। उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ सर का, जोरदार तालियों के साथ सर का अभिनंदन आभार करें। और जो टास्क दिया गया, सभी एक बार सुन लें, पीजी स्कॉलर्स जिनको सर ने टास्क दिया है, वो टास्क होमवर्क दिया है, वो कल तैयार करके लेके आए और अमित गहलोत को डिपॉजिट करवा दें सुबह, और सर उससे रिलेटेड कुछ पूछेंगे आपसे। जो टास्क दिया गया सर के द्वारा आपको, उस टास्क से रिलेटेड होमवर्क करके लाएंगे सुबह और डिपॉजिट करेंगे सुबह 9:30 बजे, एग्जैक्ट 9:30 बजे, 9:15 यहाँ आ जाएंगे सभी, 9:30 बजे सेशन स्टार्ट होगा। हाँ 9 से 9:30, और चरक संहिता सब लेकर के आएंगे, सभी लोग चरक संहिता लेकर के आएंगे। क्यों, चाय आ गई क्या, चाय देवेंद्र, चाय, चाय के लिए सभी चाय तैयार है। तो एक बार जोरदार तालियां और हो जाए एक बार। चाय आ गई है सभी, नीचे चाय आ गई है। कर दे बंद कर। कल समय का ध्यान रखें, कुछ स्कॉलर्स 11 बजे तक आए हैं कल, आज तो आज सभी साइन करके जाएंगे। अभी डॉक्टर रमेश कसवा के पास साइन लिस्ट है, उस पर साइन करके जाएंगे सभी। अरे यार चाय पिला दे बाप, चाय पिला दे।